प्रदेश के चंदौली से। चंदौली के दीनदयाल नगर में वार्ड नंबर 21 में हाहाकार मचा हुआ। सीएम एमओ ने मौके पर नजाकत को समझते हुए कुल 200 लोगों का कोविड 190 के सैंपलिंग नेशनल यूनिट को बुलाकर कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देश में यह पहला मामला है कि एक ही मोहल्ले के 200 लोगों की सैंपल हो रही है। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व उस वक्त वार्ड नंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वार्ड के हॉटस्पॉट में कर दिया गया था। तथा जब क्रिंद के टिकट की जांच हुई तो कोहराम मच गया और 200 लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है। जबकि जनपद में प्रदेश के सभी जिलों के अंत में चंदौली में पेशेंट मिलने थे, जिसके बाद तेजी से गुफा बढ़ जा रहा है। कुल कोरोना मरीज की संख्या 107 पार हो चुकी है, पर दो को जीवन भी समाप्त हो चुकी है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, फिर भी लोगों की कोई भी असर नहीं दिख रहा है। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। अपना नाम और पर्चे बताएं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंदौली की तरफ से सैंपलिंग करने आया हूँ सुभाष नगर में। ये किसके आदेश पे सैंपलिंग किया जा रहा है? ये सीएमओ सर की तरफ से आदेश हुआ है। दो पॉजिटिव पेशेंट यहाँ निकले थे, इसलिए यहाँ पे लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है। अभी तक कितने लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है? अभी यहाँ पे लगभग 6 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन जो है 150 लोगों का हो चुका है। ये सैंपल कहाँ जाएगा? पहले ये सैंपल जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर वहाँ से सब कुछ वेरीफाई होने के बाद उसके बाद ये आईएमएस। अपना नाम और पर्ची बताएं। नमस्ते, मैं आरती यादव, वार्ड नंबर 21। आरती, यहाँ क्या हो रहा है वार्डों में? जैसे कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले यहाँ पे राजेश जी के मकान में अधिकारी ताकि जो उनके संपर्क में आए थे, जो बैठते थे उठते थे उन लोग को न हो, हमारा वार्ड सही से है। और नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा और इन लोग के द्वारा